अच्छा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन। अच्छा पहले तो ये बताएं कि नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल अच्छा नॉन करेंट एसेट्स जिनके लाइफ मोर देन वन ईयर होती है ना। अच्छा नॉन करेंट एसेट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल नॉन करेंट एसेट कौन से होते हैं? जो कि फिजिकली प्रेजेंट हो। क्या हुआ, क्या डाल दें? फीलिंग डालें। राइट, तो टेंजिबल हो गए जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें आप देख सकें, टच कर सकें। और एग्जांपल्स और लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है। और इंटेंजिबल राइट, इंटेंजिबल जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन एग्जिस्ट करते। एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। अच्छा फिलहाल हम बात करते हैं टेंजिबल नॉन करेंट एसेट की। अच्छा तो ये कौन से होते हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट हो, जिन्हें देख सके, टच कर सकते। लाइफ कितनी होगी? मोर देन वन ईयर होती है, दो साल, पांच साल, दस साल, पचास साल। अच्छा तो खैर एसेट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे इनके डेप्रिसिएशन की, ठीक है। अच्छा ये पहले कॉपी कर लें, जरा ये लिख लें। सीधो के बैठे, सीधो जाए। अच्छा क्या लिखा हुआ है, क्या डेप्रिसिएशन का इज अ मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द टेंजिबल नॉन करेंट एसेट दैट हैव बीन कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड। फैन ऑफ कर दी, फैन ऑफ कर, गर्मी होने नहीं लग रही है। साइड पे आ जाए, एसी के नीचे। अच्छा देख गर्मी क्यों लग रही है, वहां चलूंगा, कूलिंग भी आ रही है, गर्मी भी लग रही है। आप खुपोएंगे क्लास की, बोले सबका ठेका उठाया आपने, ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, इसकी सुन लें, उसकी। लेकिन आदत से मजबूर है, खुद बोल लेगा जिसको बोलना है। अच्छा देख, अच्छा ये समझ में आया उसका मतलब, राइट। देखिए क्या लिखा, डेप्रिसिएशन क्या इज अ मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मींस मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ टेंजिबल नॉन करेंट एसेट, पैसों की फॉर्म है ना, मॉनेटरी बेनिफिट होता है, जैसे मॉनेटरी बेनिफिट, जैसे मॉनेटरी बेनिफिट हो ना उससे आपको, जैसे आपने क्या, हम इकोनॉमिक क्या बता रहे, इकोनॉमिक बेनिफिट मींस मॉनेटरी बेनिफिट, जो पैसों की फॉर्म में हो, मॉनेटरी फॉर्म में हो,
जैसे आप कहते हैं मॉनेटरी बेनिफिट, इतना होती है मॉनेटरी बेनिफिट, तो बेनिफिट कैसा, मॉनेटरी बेनिफिट मतलब पैसों की फॉर्म में बेनिफिट होना। एक तो आपने कोई काम किया, दुआएं मिल गई आपको, तो वो भी एक बेनिफिट है, लेकिन वो नॉन प्रॉफिट हो गया, दुआएं आपको मिल रही हैं, ठीक है। और अगर कैश मिल रहा है तो वो मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है, मॉनेटरी फॉर्म में हो, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है। अच्छा बैठे हम, अच्छा अच्छा ये समझा देता हूँ, अब इसका मतलब क्या है। हाँ कॉपी अभी कर लेंगे, रुक जाए कॉपी पर्च करें। एक मशीन हमने परचेज की 1 लाख की, ठीक है, मशीन की कॉस्ट है 1 लाख और इस मशीन की लाइफ है 5 साल, ठीक है। अच्छा आज हम मशीन बाय कर रहे हैं, आज इफेक्ट्स क्या रिकॉर्ड करेंगे इसके, इफेक्ट बताइएगा। बॉट मशीन, बॉट मशीन फॉर कैश, इसके इफेक्ट्स बताएं, एंट्री नहीं इफेक्ट्स। एसेट इंक्रीज, एक एसेट इंक्रीज एक एसेट डिक्रीज हो जाएगा, तो नॉन करंट एसेट इंक्रीज होंगे, करंट एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। एंट्री क्या बनाएंगे आप, मशीन डेबिट कैश पे। अच्छा आज हमने मशीन बाय की, मशीन को यूज करना शुरू किया, 5 इयर्स गुजर गए। अच्छा 5 इयर्स के बाद क्या इफेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, इफेक्ट बताइएगा। 5 इयर अब गुजर चुके हैं हमारी मशीन को, 5 साल पुरानी हो गई, मशीन हमारी एक्सपायर हो गई। अच्छा 5 इयर के बाद क्या होगा, मशीन एक्सपायर हो जाएगी ना, इसको डिस्पोज कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे या कबाड़ी को बेच देंगे। 5 इयर के बाद क्या इफेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे, एसेट कम हो जाएंगे, मशीन आपकी गई, एसेट डिक्रीज हो गए और एसेट डिक्रीज होंगे, भी नहीं होंगे एसेट डिक्रीज। सेकेंड इफेक्ट, अच्छा मशीन हमने बेची नहीं, डिस्कार्ड कर दी, बस उठा के ले गए, कचरा कुंड फेंक कर आ गए, बस नेटी जेटी के पुल से समंदर ही फेंक दिया हमने समंदर में। हाँ अब क्या इफेक्ट होंगे, एसेट डिक्रीज हो गए, मशीन गई, एसेट डिक्रीज। सेकेंड इफेक्ट, न्यू मशीन आ जाएगी, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे ना, एसेट डिक्रीज एक्सपेंस इंक्रीज। क्या बोल रहे हैं, न्यू मशीन आएगी, एसेट बढ़ जाएंगे आपकी। अच्छा तो इफेक्ट क्या आएगा 5 ईयर के बाद, एसेट डिक्रीज एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे ना, यानी कि वो जो मशीन है हमारी वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मशीन है वो हमारी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसेट हमारे एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपने 5 ईयर में, तो 5 ईयर के बाद आप ये कह सकते हैं कि 5 ईयर में आपने 1 लाख की मशीन यूज कर ली, कंज्यूम कर ली ना, यूटिलाइज कर ली। राइट, अच्छा तो 5 ईयर के बाद आप ये कहेंगे कि आपने 1 लाख की मशीन यूज कर ली, कंज्यूम कर ली, यूटिलाइज कर ली ना, और वो बन गई आपका एक्सपेंस, ठीक। यानी कि आपका एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, यूज्ड हो गए, कंज्यूम्ड हो गए, यूटिलाइज हो गया, तो वो बन गया हमारा एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा अब ये जो मशीन हमारी एक्सपेंस बनेगी, तो हमें पता है कि 5 ईयर के बाद ये मशीन हमारी यूज हो जाएगी, कंज्यूम्ड हो जाएगी, एक्सपेंस बन जाएगी ना, अब वो जो एक्सपेंस होंगे वो कब रिकॉर्ड करेंगे, 5 साल बाद, आज या हर साल, हर दिन भी कर सकते हैं, नहीं लाए आपके होते हुए कैसी जरूरत है। हाँ अच्छा अब जो, हाँ अब मशीन हमारी कंज्यूम हो जाएगी, वो एक्सपेंस बन जाएगी हमारा,
तो एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे, आज 5 ईयर के बाद या हर साल? हर साल। क्यों आप बोले? क्या होगा? 5 साल के लिए मैं यूज ली ना, हाँ, 1 साल अगर हो चुका है तो वो करंट में शामिल हो जाएगा, बाकी 4 हो जाएगा करंट एसेट में। नहीं, एक 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 क्लिक कर, यहाँ पर आवाज नहीं, फुजूल आवाज नहीं, आप बोले एक क्यों डालें? वजह एक एक करके, एक एक करके, हाँ बोले क्यों? वजह रीजन, रीजन है ना उसकी, बता आप बोले क्यों डालेंगे? ठीक है, आप बोले हर साल चलती रहेगी, हर साल यूज होती रहेगी, हर साल एक्सचेंज होती रहेगी। अच्छा जी, कौन है इनका नाम? आप कुछ कह रहे हैं? बोले हर साल चार्ज करेंगे, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है। अच्छा जी, आप लोग क्या कह रहे हैं? हर साल क्यों? वजह बुक वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, एक साल बाद, 5 साल बाद ही कर लें तो क्या है? क्या फर्क पड़ेगा? क्यों कर रहे हैं? वजह, कोई रीजन, कोई रूल? आवाज नहीं। ठीक है, राइट, आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, अच्छा तो देखिए, क्यों ठीक है? नहीं, अच्छा राइट, तो देखिए एक्सपेंस हम हर साल चार्ज करेंगे, किसी एक साल में 1 लाख रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब क्यों करेंगे, रीजन बताता हूँ। हाँ, अब लाइन से यही से वेट कर रहा था। मैचिंग प्रिंसिपल याद है? मैचिंग प्रिंसिपल, तो बस वही रीजन है। सुन ले आप जरा, अब देखिए मशीन हम यूज करेंगे 5 ईयर तक ना। देखिए 5 ईयर तक मशीन यूज होगी, 5 ईयर तक मशीन से प्रोडक्ट बनेगी, 5 ईयर तक प्रोडक्ट सेल होगी, 5 ईयर तक रेवेन्यू आएगा। तो बेनिफिट हमें मिल रहा है 5 ईयर तक, तो एक्सपेंस भी 5 ईयर में डिवाइड होने चाहिए ना, बजाय इसके कि किसी एक साल में पूरे 1 लाख चार्ज कर दें, सही है ना? तो बेनिफिट चूंकि 5 ईयर तक मिल रहे हैं, 5 ईयर तक मशीन यूज होगी, 5 ईयर तक, सारे फॉर्म है, छक्के चौके लग रहे हैं, बात पूरी करने थे मुझे। अच्छा राइट, तो देखिए मशीन हम यूज करेंगे 5 ईयर तक, 5 ईयर तक प्रोडक्ट बनेगी, 5 ईयर तक प्रोडक्ट सेल होगी, 5 ईयर तक हमें बेनिफिट मिलेगा, तो एक्सपेंस भी 5 ईयर में डिवाइड होने चाहिए, बजाय इसके कि किसी एक साल में हम पूरे 1 लाख चार्ज कर देना, राइट? अब हम क्या करेंगे, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से, लाइफ से, तो आंसर आ जाएगा 20,000। अब हर साल हम 20,000 एक बार और हो जाए, ठीक है? अच्छा तो क्या करेंगे हम, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 20,000 आंसर आएगा। तो हर साल हम क्या करेंगे, 20,000 एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, चार्ज करते रहेंगे ना, तो 5 ईयर में पूरे 1 लाख आपके चार्ज हो जाएंगे। तो आप फर्स्ट ईयर के एंड पे, अब देखिए ईयर 1 के एंड पे हम क्या करेंगे, 20,000 चार्ज करेंगे ना,
ईयर वन के एंड पे आप ये कह सकते हैं कि 1 लाख में से आपने 20,000 की मशीन यूज कर ली, कंज्यूम कर ली, यूटिलाइज कर ली, तो वो क्या बन गया आपका एक्सपेंस, और उसको नाम क्या देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन को आप क्या कह सकते हैं, कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अगर आपने डिफाइन करना इन शॉर्ट कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या, कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। इन शॉर्ट इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन को, कि कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। आप ये कहेंगे कि आपने हर ईयर एंड पर 20,000 की मशीन कंज्यूम कर ली, यूज कर ली, यूटिलाइज कर ली, और वो बन जाएगा आपका एक्सपेंस, और उसको नाम क्या दे देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप इसको रीड करें, आप ये डेफिनेशन देखे समझ में आ रही है, पहले रीड कर लें, कॉपी बाद में कीजिए, आप इसको पढ़ लें, आप समझ में आ गए। तो डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अच्छा, अब अपने बात की के, तो 1 लाख हम किसी एक साल में चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि हर साल 20,000 चार्ज करेंगे। तो ये तो एक जनरल बात हो गई हमारी, इसी के ऊपर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है, वो भी यही कहता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट। जी दोनों भी मैच कर रहे हैं, अच्छा लिखे तो राइट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, लिखे, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड इन विच रिलेटेड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड। क्या मतलब हुआ, मतलब क्या है समझ लेते, क्या लिखता था, क्या एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड इन विच रिलेटेड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा ये बताएं कि बगैर कॉस्ट इनकर किए, बगैर एक्सपेंस इनकर किए रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, नहीं। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट एक्सपेंस इनकर करना पड़ते हैं, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होता है। मेहनत, उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगी ना। अच्छा तो अब ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि आपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की, जो रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करेंगे उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी ईयर में चार्ज करने हैं। आप जिस ईयर में जो इनकम रिकॉर्ड होगी तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस ही उसी ईयर में चार्ज होगी। अब सपोज करें आपकी टोटल सेल्स थी 5 लाख की, टोटल सेल्स फॉर द ईयर 5 लाख और टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर 3 लाख, ठीक। अब आप इनकम स्टेटमेंट में सेल्स कितनी रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख, तो एक्सपेंस कितने चार्ज करेंगे, 3 लाख, 5 लाख सेल है, 3 लाख के टोटल एक्सपेंस है। जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ईयर एंड पर, तो सेल्स कितनी रिकॉर्ड होंगी, 5 लाख, और एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 3 लाख। आप ये नहीं कर सकते कि आप इनकम तो पूरी रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 लाख से, और एक्सपेंस आप चार्ज कर दें 2 लाख के, और आप 1 लाख आप कहेंगे इसको नेक्स्ट ईयर चार्ज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जिस ईयर जो इनकम रिकॉर्ड होगी उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी ईयर में चार्ज, ठीक है। तो ये है मैचिंग प्रिंसिपल कि इनकम और एक्सपेंस मैच होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये रूल यहाँ कैसे अप्लाई होता है मशीन पे, अब देखिए मशीन की लाइफ है 5 ईयर, अब 5 ईयर तक मशीन चलेगी, 5 ईयर तक प्रोडक्ट बनेगी, 5 ईयर तक प्रोडक्ट सेल होगी, 5 ईयर तक रेवेन्यू आएगा। तो जब रेवेन्यू 5 ईयर तक में रिकॉर्ड होगा तो एक्सपेंस भी 5 ईयर में रिकॉर्ड होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए, वजह इसके कि किसी एक साल में पूरे 1 लाख चार्ज कर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम 5 ईयर में डिवाइड करके हर साल 20,000 एज एन एक्सपेंस चार्ज करते रहेंगे, ताकि मैचिंग प्रिंसिपल आपका अप्लाई हो, ठीक है। तो जितने ईयर तक बेनिफिट मिलेगा उतने ईयर्स में एक्सपेंस चार्ज होंगे, कॉस्ट डिवाइड होगी, ठीक है। राइट, अब बैक कर देता हूँ, कॉपी कर लीजिए, ये लिख लें, ये लिख लिया सबने, देखिए हम ये बताएंगे आपके टेंजिबल नॉन करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, लैंड,
बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी मोटर व्हीकल्स इक्विपमेंट ठीक है ये सब हो गया आपके टेंजिबल नॉन करेंट एसेट। अच्छा क्या ये तमाम नॉन करेंट एसेट डेप्रिशिएट होंगे? चलिए अच्छा देख क्यों नहीं होगी अगर कम हो जाए हो गई ना बस काम आएगी तो क्या कह रहे हैं आप बिल्कुल ऐसा ही सही है सही आप सुन लें हाँ आप सुन लें ठीक है हाँ तमाम लेकिन तमाम टेंजिबल नॉन करेंट एसेट डेप्रिशिएट होते हैं एक्सेप्ट लैंड लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि लैंड की लाइफ इनफाइनाइट होती है ना लैंड की लाइफ तो इनफाइनाइट है लैंड के अलावा आ रहा अब आवाज नहीं है सुनते जाए ठीक है। टेंजिबल नॉन करेंट एसेट कौन से होते हैं लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी मोटर व्हीकल्स इक्विपमेंट तो तमाम टेंजिबल नॉन करेंट एसेट डेप्रिशिएट होंगे एक्सेप्ट लैंड लैंड एप्रिशिएट नहीं होती। अच्छा क्यों नहीं होती रीजन क्योंकि लैंड की लाइफ इनफाइनाइट होती है अनलिमिटेड लाइफ होती है ना देखिए ये बिल्डिंग है बिल्डिंग की लाइफ कितनी होगी 50, 60, 70, 100 साल उसके बाद तो बिल्डिंग आपकी गिर जाएगी ना लेकिन जिस प्लॉट पे जिस लैंड पे ये बिल्डिंग बनी है उस प्लॉट की लाइफ कितनी है इनफाइनाइट है अनलिमिटेड ये प्लॉट हमेशा यही रहेगा कहीं नहीं जाएगा ठीक है। बाकी लैंड के अलावा जो एसेट है बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी मोटर व्हीकल इक्विपमेंट सबकी लाइफ लिमिटेड होती है ना 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल और उसके बाद आपके एसेट एक्सपायर हो जाता है कंज्यूम्ड हो जाता है यूटिलाइज हो जाता है ना लैंड कभी भी एक्सपायर नहीं होता ठीक है। सब आ रहा सवाल सुनते जाओ अच्छा अब लैंड पे आते हैं। अब लैंड में एक एक्सेप्शन है कि तमाम लैंड्स डेप्रिशिएट नहीं होती एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड्स एग्रीकल्चरल लैंड्स डेप्रिशिएट होती हैं। अच्छा वो क्यों होती हैं क्योंकि देखो उसमें एक मिनरल्स होता है ना लैंड में अब उस पर जब आप फसल लगाते हैं काश्तकारी होती है फार्मिंग होती है तो एक वक्त आता है लैंड आपकी बंजर हो जाती है यूजलेस हो जाती है बेकार हो जाती है ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड्स को डेप्रिशिएट करते हैं नॉर्मल लैंड एप्रिशिएट नहीं होती सही है ये हो गया। अच्छा अब आप कह रहे हैं क्या हुआ तखरीक बारी पे आते हैं हाँ सैलाब आ गया ठीक है सैलाब आएगा तो क्या होगा पानी आ गया चला जाएगा हाँ एक एक करके सैलाब आ गया पहले अच्छा सैलाब आ गया पानी चला गया अच्छा अब जल्द आया जमीन दो टुकड़े हो गई ठीक है आवाज नहीं क्या करेंगे फिर अच्छा आपका एक प्लॉट है 5,000 गज का प्लॉट है जल्द आया जमीन दो टुकड़े हो गए क्या करेंगे छोड़ देंगे तो और मिट्टी डाल देंगे उसको फिल कर देंगे जमीन है ना जमीन पे कौन रहता है मैं घर में रहूंगा घर थोड़ी बनाया जमीन में हमने जमीन है बस घर अलग है ना वो अलग है घर अलग है वो जमीन अलग है जलजला आ जाए सैलाब आ जाए कुछ भी आ जाए लैंड तो वही रहती है ना लैंड कहीं नहीं जाती हाँ ओके अच्छा अब ये क्लियर हो गया और ये पॉइंट याद रखिएगा अच्छा लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती लैंड की लाइफ इनफाइनाइट होती है ठीक है बाकी सारे ऐसे डेप्रिशिएट होता है। अच्छा एक चीज और है कि वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता वैल्यू कम हो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लाइफ लिमिटेड होती है इसलिए हर एसेट आपका डेप्रिशिएट होगा एक्सेप्ट लैंड।
अच्छा अभी जो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, अभी तो मैंने एक सिंपल सा आपको बताया, अभी 1 लाख कॉस्ट है, 5 से डिवाइड कर दें, लाइफ से 20,000 आ गया, ये तो एक समझाने के लिए। अब जो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के प्रॉपर कुछ मेथड्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको यूज करते हुए हम अपना एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 मेथड्स हैं, ठीक है, जिनको यूज करके हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स में फिलहाल 2 मेथड्स हैं, उन 2 के फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, अच्छा इसके 3 नाम है, रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये 2 मेथड हमारे कोर्स में, इन दोनों को यूज करेंगे, इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला। अच्छा स्ट्रेट लाइन में एक मेथड और ये फॉर्मूला आ सकता है, ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। हाँ इसमें यहाँ परसेंटेज होगी, ये परसेंटेज है, यहाँ पे लाइफ। अच्छा फॉर्मूले कॉपी करें, फिर इस पे बात करते हैं फॉर्मूले। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अच्छा स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, लाइफ खत्म होने के बाद जब स्क्रैप करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी। अच्छा स्ट्रेट लाइन में 2 फॉर्मूले हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है तो सेकंड फॉर्मूला, कोई एक यूज होगा इन दोनों में, ठीक है। अच्छा फिर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो क्वेश्चन में एक परसेंटेज गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अच्छा ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने नीचे बता दिया, एक्यूमुलेट मीन्स होता है सम करना, एक्यूमुलेट मीन्स सम, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा, सम ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन। जैसे ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 20,000, ईयर 2 का था 20,000, तो एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा 40,000, तो थर्ड ईयर का ऐड कर लेंगे तो 60, 80, इस तरह से, ठीक एक्यूमुलेट होता है। हाँ ईयर 1 में 0 होगा, ठीक। अच्छा ये तो हो गया फॉर्मूले कि जिनको यूज करते हैं हम अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने से पहले एक चीज और नोट कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जी क्या मेथड, हाँ गिवन होगा नहीं तो डेटा देके हम खुद पहचान लेंगे कौन सा यूज होगा, जरूरी नहीं होता गिवन हो, आप फिर क्वेश्चन को पढ़ के खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा यूज। हाँ वो सब आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तब समझा दो। अच्छा एक चीज और इसमें नोट कर लेते हैं, अच्छा देखा जब एक न्यू एसेट हम बाय करते हैं तो पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है, फिर वो एसेट रिकॉर्ड होता है, फिर उसको यूज करते हैं, फिर डेप्रिशिएट होता है ना। अब कोई अगर एक न्यू एसेट बाय किया हमने तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो परचेज प्राइस के इक्वल होगी या कुछ और भी ऐड होंगे उसके बाद, जैसे सपोज एक मशीन हम, जैसे सपोज मशीन, एक मशीन हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब एक चाइना से एक मशीन इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उससे पहले तो आपके एक शिपमेंट चार्जेस होंगे। अच्छा फिर वो मशीन आपके पोर्ट पर आएगी, ड्यूटीज वगैरह पे करेंगे, पोर्ट से क्लियर होने के बाद ट्रक पे लोड होगी मशीन, तो ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे, ट्रक वाला आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाएगा। अच्छा फैक्ट्री आने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद वो मशीन वर्किंग कंडीशन में आएगी ना, तब मशीन की जो टोटल कॉस्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, परचेज प्राइस या सारे एक्सपेंस ऐड करके, तो उसमें तमाम एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे, मतलब का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, शिपमेंट, ड्यूटीज वगैरह सब ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सही। तो इसको लिख ले, अच्छा इसको कॉपी बाद में कीजिएगा, सिर्फ रीड कर लें, इसको सिर्फ रीड कर लें, घर जाके कॉपी कर लीजिएगा, बहुत लंबा है, आप इसमें पढ़ लें, इसको कॉपी बाद में कीजिएगा, और जो पॉइंट समझ नहीं आए वो सब पूछ लें मुझे। इसमें एक दो चीजें जो समझ में नहीं आएंगी उसको रीड कर लें।
ब्रेक के बाद इसका नहीं होगा, क्वेश्चंस का मिलेगा पप्पू के साथ बैठे हैं। किसने क्या बैठा है? ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन रीड कर लें, ये हैंड आउट है, ये आपको मिल जाएगा ब्रेक के बाद। अच्छा जी, कंपनी है का मशीन परचेज की है, लेस प्राइस 10 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट 20%, लाइफ 20 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है 3 इयर्स का यूजिंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा पहले ये बताएं कॉस्ट ऑफ मशीन क्या लेंगे हम? फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगी? 8 लाख, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, लाइफ 20 इयर्स। वैल्यूज पुट करते हैं, 8 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, ये आपके पास आ जाएगा 35,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 2010 ये एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया, लेस प्राइस से माइनस। उसके बाद फिर डिस्काउंट तो हमेशा माइनस होगा जब भी कुछ। ठीक, कॉपी कर रहे हैं। अच्छा ये हो गया 2010 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कॉपी कर लिया। कॉपी हो गया। 2011 क्वेश्चन तो वही है ना। अच्छा 2000 क्या दिखाना है, क्या देखना है तो वैसे ही बता दे मुझे। अच्छा 2011 सेकंड ईयर इसका जी, अब ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यूज, सेम आंसर आएगा 35,000। आवाज नहीं आती, ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहेगा, इस पे आप एक बार कैलकुलेट करके वही अमाउंट हर साल चार्ज कर सकते हैं, हर ईयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। स्ट्रेट लाइन में हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है, 35, 35, 35। आवाज नहीं आपको, ठीक है। अब आप दोनों की आवाज नहीं है।
ये कॉपी कर लें, क्लियर? अच्छा फिर 2012 सेम रहेगा, ठीक है? तो 2012 में भी 35,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जी कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फॉर्मूले क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अच्छा तो यहाँ कॉस्ट क्या लेंगे, वही 8 लाख, और परसेंटेज यहाँ से दी हुई है रिक्वायरमेंट बी में 10%। अच्छा कॉस्ट तो आप लेंगे हम 8 लाख ना, अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा? अच्छा जीरो क्यों होगा? हाँ देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? सम ऑफ All previous year depreciation expense, ये 2010 पहला साल है, previous year नहीं है, इसलिए accumulated क्या हो जाएगा? Zero. तो year one में accumulated depreciation हमेशा zero रहेगा। 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 80,000. Reducing balance method से 2010 का depreciation expense आएगा 80,000. Given होगी बिल्कुल। परसेंटेज गिवन होगी। जी कॉपी कर लियो। अच्छा यू गेट 2010 80,000, 2011 तो कॉस्ट तो वही रहेगी 8 लाख, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? 80,000 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक प्रीवियस ईयर आ गया 2010, अब एक्यूमुलेटेड में हम लिखेंगे 80,000, 8 लाख माइनस 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% 72,000 आ जाएगा 2011 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लियो। अब 2012, अच्छा अब इसमें ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? 162। अब ये 2012 थर्ड ईयर है, अब यहाँ प्रीवियस ईयर दो आ गए ना, 2010 2011, 2010 का डेप्रिसिएशन था 80,000 और 2011 का था 72,000, दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक्यूमुलेटेड बन जाएगा 152,000, सॉरी माइनस करके 10% कैलकुलेट कर लेंगे
तो 64,800 2012 का डेप्रिसिएशन आ गया। बताता हूँ क्यों ना करें, ये बताओ क्यों ना करें, इससे क्यों ना करें, मतलब क्या है, क्या हो रहा है, ये भी फॉर्मूला है, उससे क्यों कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, क्योंकि वो आसान है, इसलिए वो आसान है, इसलिए वो कर रहे हैं। अच्छा कॉपी हो गया। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब एक पॉइंट है वो समझ लें। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन था, एक एसेट है, दो मेथड से हमने डेप्रिशिएट किया ना। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन आ रहा था 35,000 पर ईयर, 35,000 हर साल सेम। अच्छा में क्या हुआ, पहले साल 80,000, दूसरे साल 72,000, तीसरे साल 64,800, हर साल एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो कौन सा मेथड बेहतर है? अब मैं मेथड्स हैं तो यकीनन कोई यूज भी होगा, बल्कि ये बताएं कि मेथड तो दोनों सही हैं, ये बताएं किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज करना बेहतर है। क्यों हर साल तो चार्ज करना, ये साल चार्ज करेंगे, ये कह रहा हूँ किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे जी। अब दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ था, हर साल सेम चार आ रहा था 35,000, रिड्यूसिंग में क्या हो रहा है, हर साल रिड्यूस हो रहा है 80, 72, 64, फिर और कम हो जाएगा, और कम और कम। तो किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज करना बेहतर है, या कोई भी यूज कर ले? तो जिनका प्रॉफिट हर साल सेम आएगा उसके लिए स्ट्रेट लाइन करेंगे। प्रॉफिट तो बिजनेस का होता है ना, एक मिनट, हाँ प्रॉफिट तो बिजनेस का होता है, दोबारा बोले ऐसा क्या कह रहे हैं, बोले आप क्या कह रहे हैं, बोलो आप कुछ एक मिनट, और जिनका रिड्यूसिंग सोचे, हाँ बोले एक एक करके, हाँ पहले वो उल्टे रखा था, हाँ बोले आप, वो तो सबकी कम होगी। अच्छा और जिसके नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हाँ सही कह रहा हूँ, बात तो एग्जाम्पल दें, बिल्डिंग के लिए कौन सा बेहतर है, स्ट्रेट लाइन, मशीन के लिए, गाड़ी के लिए बेहतर है, राइट। देखिए जिन जिन एसेट से आपका भी सही था आंसर, जिन एसेट से आपको हर साल सेम बेनिफिट मिलेगा उनके लिए यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, सेम बेनिफिट सेम एक्सपेंस। और जिन एसेट से स्टार्ट में आपको बेनिफिट ज्यादा हो और बाद में बेनिफिट कम हो जाए तो उनके लिए बेहतर है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ज्यादा बेनिफिट ज्यादा एक्सपेंस, कम बेनिफिट कम एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल इस बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग इस रूम की बात करें, इसकी सपोज कर लें इस वक्त कैपेसिटी है 60, सपोज आज भी 60 है, कल भी 60 होगी, साल बाद भी 60, 5 साल बाद भी 60, इसकी कैपेसिटी ना तो कम होगी ना ज्यादा, तो आज जो बेनिफिट मिल रहा है इससे वही कल मिलेगा, वही साल बाद, वही 5 साल बाद, तो इस बिल्डिंग से हमें सेम बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर बेहतर कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, वो मैचिंग भी हो रहा है, जितना बेनिफिट उतने एक्सपेंस, तो बिल्डिंग के लिए बेहतर क्या है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा फर्नीचर की बात कर रहे हैं आप, जैसे ये चेयर है, इसकी सेटिंग कैपेसिटी कितनी आज, 1%, कल, एक साल बाद, 5 साल बाद, सेम रहेगी, तो फर्नीचर से भी हमें सेम बेनिफिट मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी बेहतर क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा मशीनरी की बात करते हैं, एक नई मशीन है तो स्टार्ट में प्रोडक्शन ज्यादा होती है, आउटपुट ज्यादा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होती है, और जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम हो जाएंगी, तो मशीनरी के लिए बेहतर क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ज्यादा बेनिफिट ज्यादा एक्सपेंस, कम बेनिफिट कम एक्सपेंस, ठीक। इसी तरह मोटर व्हीकल्स की बात कर लें, गाड़ी तो नई गाड़ी, नई गाड़ी की परफॉर्मेंस स्टार्ट में अच्छी होती है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कम हो जाती है, तो उनके लिए भी बेहतर क्या है,
रिड्यूसिंग बैलेंस ठीक है। और लैंड के लिए कौन सा मेथड बेहतर है? स्ट्रेट लाइन कोई भी नहीं, क्योंकि लैंड एप्रिशिएट नहीं होती ठीक है। ओके हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इसके बाद अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज होता है बेहतर है ठीक है। अच्छा इसके बाद रिक्वायरमेंट सी और रिक्वायरमेंट डी है, इसमें हम बनाएंगे एंट्रीज पहले, पेटी अकाउंट और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बने। अच्छा तो ये सी और डी तो हम करते हैं ब्रेक के बाद, फिलहाल अभी ब्रेक थोड़ी हो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे ब्रेक से पहले। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू रीड कर लें। अच्छा क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, तीनों में सेम डेटा यूज होगा ठीक है। अच्छा इफ द डेट ऑफ एक्विजिशन इन अबव क्वेश्चन नंबर वन इज 1 July 2010 एंड द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा देखिए क्वेश्चन वन में कोई डेट तो मेंशन नहीं थी, तो फिलहाल कोई डेट मेंशन नहीं थी ना, बाय कब किया, ईयर एंड कब हो रहा है। हम सपोज कर लेते हैं जनवरी में हमने एसेट बाय किया और दिसंबर में ईयर एंड हो गया ठीक है, इसको ध्यान में रखें, जनवरी में बाय कर रहे हैं दिसंबर में ईयर एंड है, ये वन की बात थी ना। तो यहाँ पे हमने पूरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया सही। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ टू में, वो कह रहे कि अगर आपने मशीन बाय की 1 July को तो आपका ईयर एंड हो रहा है 31 December 6 महीने बाद ठीक है। तब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है यूजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन और बी पार्ट में लिखा है अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ फुल ईयर कन्वेंशन। अब ये क्या होते हैं फुल प्रोपोर्शनेट और फुल ईयर, इसमें क्या डिफरेंस है, प्रोपोर्शनेट भी होता है कि आप जितने मंथ्स एसेट यूज करेंगे उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज ठीक। जैसे आप 1 July को बाय किया, ईयर एंड दिसंबर तो 6 महीने हुए, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स का चार्ज होगा प्रोपोर्शनेट में। अच्छा अगर फुल ईयर पॉलिसी है तो इसमें फुल ईयर का चार्ज होगा यूज कितना भी करें सही, चाहे आपने एसेट 1 मंथ ही यूज किया हो, अगर फुल ईयर पॉलिसी है तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट में मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और फुल ईयर में ईयरली बेसिस पे चार्ज होगा यूज कितना भी हो ठीक है। ये गिवन होगा प्रोपोर्शनेट या फुल ईयर। अच्छा ये गिवन होती है पॉलिसी और कभी बाज ऑफ अ गिवन नहीं भी होती। अच्छा गिवन नहीं होगी तो क्या करेंगे फिर हम प्रोपोर्शनेट को यूज करेंगे। पॉलिसी अगर गिवन नहीं होगी तो फिर हम फॉलो करेंगे प्रोपोर्शनेट को, कि जितने मंथ्स यूज होगा उतने ही मंथ्स का रिकॉर्ड करें ठीक है। फॉर्मूले तो वही दो ही है ना, हाँ तो ऊपर लिखा भी स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला तो वही है दो। देखिए फॉर्मूले से हमें मिलेगा एनुअल ठीक है, फिर हम उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, बस डिवाइड कर देंगे। अच्छा ये तो एंट्रीज किया अकाउंट ब्रेक के बाद ठीक है। अच्छा 2010 फॉर्मूला आ गया, अच्छा वैल्यूज वही रहेंगी, कॉस्ट 8 lakh, स्क्रैप वैल्यू 1 lakh, एस्टिमेटेड लाइफ 20, ये तो आ जाएगा 35,000 फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। अब हमें कितने मंथ का चार्ज करना है 6, मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12, तो ये 6 months का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 17,500 ठीक है। कॉपी कर लें कुछ भी नहीं करेंगे, साल का आ गया ना बस, हाँ पहले साल में निकलता है उसको मंथ में कन्वर्ट कर, 3 साल 4 साल 5 साल जो भी जितने भी चाहिए। हाँ टू क्वेश्चन टू को लिखना था, क्वेश्चन टू का पार्ट ए।
कॉपी हो गया इंसान है अच्छा कॉपी कर लिया अच्छा ये हो गए प्रोपोर्शनेट फुल ईयर अच्छा इसमें सेकंड पार्ट रिक्वायरमेंट फुल ईयर पॉलिसी फुल ईयर में पूरे साल का चार्ज होगा 35,000 तो फुल ईयर में जितना भी यूज करें डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज होता है ये कॉपी कर लें या तो ये कॉपी करना है बी पार्ट आ गया इसका वो ए पार्ट था वही होगा पूरा जो वन में क्या था मान लेते सेम है क्वेश्चन वन सही अच्छा जी कॉपी कर लें फिर ब्रेक लेंगे बाकी क्वेश्चंस ब्रेक के बाद यहीं बैठना दोनों ने पीछे नहीं आना बता दिया पीछे बैठेंगे ये कॉपी हो गया ठीक है दोनों ब्रेक ब्रेक के बाद